वी आर स्टार्टिंग द क्लास फ्रॉम द लास्ट क्लास, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था ई टू कैप इन टर्म्स ऑफ ई वन कैप एंड एन कैप, यूनिट वेक्टर इन द रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इन द इंसिडेंट डायरेक्शन एंड नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन ने इसको क्या कहा था, ये कहा था कि जो मिरर का सरफेस होता है उसके साथ जो कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स होते हैं, सो बोलते हैं कॉर्पुस्कुलर पार्टिकल्स। न्यूटन का यह मानना था कि लाइट जब एमिट होता है तो इलास्टिक बॉल्स एमिट होते हैं, छोटे छोटे इलास्टिक बॉल्स एमिट होते हैं जो कि इसके साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? इलास्टिक कोलिजन करते हैं। जब इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो इस बॉल की जो दो वेलोसिटी है, कौन कौन सी, एक है वेलोसिटी ऑफ द बॉल पैरेलल टू द सरफेस और एक है वेलोसिटी ऑफ द बॉल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सही है ना, ये जो बॉल है ये जब आ रहा है इस बॉल के वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक है पैरेलल एक है परपेंडिकुलर। तो जब इलास्टिक कोलिजन करता है तो होता क्या है कि इस बॉल का पैरेलल कंपोनेंट वही रहता है, इस बॉल का पैरेलल कंपोनेंट वही रहता है, नहीं बदलता है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होता है मिरर के वो जैसे आता है वैसे ही लौट जाता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो रिवर्स हो जाता है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ये माइनस वी परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी कारण से जो एंगल पे वो गिरता है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक भी करता है, जिस एंगल पर वो गिरता है उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक भी करता है, और वो जो है स्पीड भी सेम रहती है, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज सेम एज अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन रिफ्लेक्शन को न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया था एज इलास्टिक कोलिजन ऑफ कॉर्पस्कुलर पार्टिकल्स विद द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे पास मान लो ये मिरर है और ये मिरर मान लेते हैं कि एक्स जेड प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस मिरर के प्लेन में ही है, इसका मतलब इसका नॉर्मल किसके डायरेक्शन में है भाई, इसका जो नॉर्मल है वो किस डायरेक्शन में है, के कैप में है, यानी ये कह सकते हैं जेड एक्सिस है। इस पे अगर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर वो या तो के कैप या माइनस के कैप कुछ भी हो सकता है, या तो के कैप हो सकता है या माइनस के कैप हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर यहां पर एक लाइट गिरे और लाइट की वेलोसिटी है मान लेते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, अगर लाइट की वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, अब समझो ये जो कंपोनेंट दिख रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ये है पैरेलल कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल, और ये वी जेड के कैप जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो जब कोलिजन होगा और जब रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो होगा क्या, ये कंपोनेंट वही रहेगा, वी पैरेलल वही रहेगा, वी पैरेलल रिमेन सेम बट वी परपेंडिकुलर इज रिवर्स्ड, यानी यहां इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो सिर्फ के कैप का कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, एक्स कैप और वाई कैप सेम रहेगा बट ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस वी जेड के कैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी किसी मिरर पे कोई रे गिरता है, जब गिरता है तो जो इसका कंपोनेंट है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट मिरर के पैरेलल जो अनचेंज रहेगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो उलट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कभी अगर हम लोगों से ये कहा जाता है ये एक मिरर है और ये वाई जेड प्लेन में कोई मिरर है, यहां एक रे गिर रहा है और इस रे का वेलोसिटी दिया हुआ है वी एक्स आई कैप, या कह सकते हैं मान लो ये दिया हुआ है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप
प्लस 5 के कैप, चूंकि इसकी स्पीड इंटू सम कॉन्स्टेंट के इंटू सम कॉन्स्टेंट अल्फा, अल्फा का वो वैल्यू चाहिए कि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू अल्फा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, अगर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो अब ये बताओ अगर ये वाईजेड प्लेन में है तो नॉर्मल किसके डायरेक्शन में है? अगर ये वाईजेड प्लेन में मिरर है तो नॉर्मल किसके डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में, नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, वाई और जेड कंपोनेंट रिवर्स नहीं होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? -3। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 3 की जगह -3, बाकी सब वही रहेगा। Agreed? सर आप बोले थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और सब एक ही प्लेन में रहते हैं। हाँ, एक प्लेन में ही तो है, एक प्लेन में ही तो है, एक प्लेन में ही तो है। देखो एक प्लेन समझ में नहीं आ रहा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बोर्ड कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। अब रे गिर रहा है इस तरह से, एक रे का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है और दूसरा रे का कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, रे इस तरह से गिर रहा है, समझ पा रहे हो? एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है रे का और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, अंदर जा रहा है, और लाइट इस तरह से गिर रहा है, समझो लाइट इस तरह से गिर रहा है ऐसे करके, समझ रहे हो? समझिएगा सर, लाइट कैसे गिर रहा है? लाइट इस तरह से गिर रहा है ऐसे, थ्री डायमेंशन में। लाइट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, लाइट के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट राइट है, एक कंपोनेंट अप है और एक कंपोनेंट इनवर्ड है, समझ रहे हो? यस सर। लाइट के वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन और एक अंदर के डायरेक्शन में, यानी एक ये डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है और तीसरा वेक्टर अंदर की तरफ है, बोर्ड की तरफ है, तीनों का वेक्टर सब कुछ निकलेगा ना। मैं कह रहा हूं ये vx है, ये vy है और ये vz है, agreed? अब जब ये इस दीवार से टकरा के लौटेगा, अब जब ये इस दीवार से टकरा के लौटेगा, ये vx वही रहेगा, ये vy वही रहेगा, ये vz जो अंदर के तरफ था पहले, वो vz जो अंदर के तरफ था अब वो बाहर के तरफ हो जाएगा, यानी ये vz कितना हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मतलब सॉरी यहां पर क्रॉस था अंदर के तरफ, अब ये क्या बन जाएगा? डॉट बन जाएगा। पहले ये क्रॉस था, पहले z कंपोनेंट अंदर के तरफ था, अब क्या हो जाएगा? बाहर के तरफ हो जाएगा ना। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वुड बी रिवर्स्ड। जो कंपोनेंट नॉर्मल के तरफ है वो रिवर्स हो जाएगा, और जो कंपोनेंट इस प्लेन के पैरेलल है, ये दोनों, ये पहले जो था वही रिफ्लेक्शन के बाद भी रहेगा, जाने टाइम ऐसा लौटने टाइम ऐसा, समझ रहे हो? जाने टाइम ऐसा लौटने टाइम ऐसा, लेकिन ये कंपोनेंट जाने टाइम इस तरह से, लौटने टाइम मेरी तरफ, ठीक है? अग्रीड? यस। लिख लो स्वामी, इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, नॉर्मल कंपोनेंट उलट जाएगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और पैरेलल कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? सो क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन मिरर हैं जो कि 90 डिग्री पे, म्यूचुअली 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है? तो प्रूव करना है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ फर्स्ट मिरर आफ्टर टू रिफ्लेक्शन इमर्जेस एंटी पैरेलल टू इट्सेल्फ। प्रूव दैट
एनी इंसिडेंट रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस इमर्जेस एंटी पैरेलल टू इटसेल्फ, ये खुद के एंटी पैरेलल निकलेगा। अगर ये 90 डिग्री पे दो मिरर है तो कोई भी रे एंटी पैरेलल नहीं। इसमें बस दो मेथड्स हैं, हालांकि चार मेथड है, बड़े में दो मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड क्या है कि मान लेते हैं रे इसके ऊपर गिरा, मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स इस प्लेन में एक्स वाई है, तो ये कौन सा प्लेन होगा? ये मान लो एक्स जेड प्लेन होगा, होगा ना, हो सकता है। ये एक या एक काम करो, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, जेड तो कॉमन है, जेड तो कॉर्नर के डायरेक्शन में, ठीक है ना। मान लो यहां एक लाइट गिरा और इस लाइट का वेलोसिटी था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मान लो यहां पर एक लाइट गिरा और लाइट की वेलोसिटी थी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, सही है? मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी थी वी एक्स आई के वी आई। अब ये बताओ यहां नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, यहां नॉर्मल किसके किस एक्सिस के डायरेक्शन में है? ये नॉर्मल यहां जो नॉर्मल वो किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में है। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जो लाइट होगा रिफ्लेक्टेड लाइट, इसमें क्या होगा, एक्स कंपोनेंट नॉर्मल अलोंग एक्स डायरेक्शन है, इसीलिए एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, वी एक्स की जगह माइनस वी एक्स। अब इस लाइट को यहां गिरने दो, अब यहां पर नॉर्मल किसके डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। अब कौन सा होगा, नेगेटिव, वाई नेगेटिव हो जाएगा, एक्स वही रहेगा, यहां जो गिरा तो एक्स जो था वही रहेगा, वाई को नेगेटिव कर दो तो क्या हो गया, क्या ये और ये एक दूसरे का नेगेटिव नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर रिवर्स हो गया, एग्रीड? Yes, sir. एक बार एक्स एक्सिस को पलट दो, दूसरे पर वाई एक्सिस को पलट दो, दोनों पलटा गया तो यानी वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। अच्छा मान लो इसको हम दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, हमने कल तुम्हें बताया था कि जब भी कोई दो मिरर एंगल थीटा पे होता है तो एक तो दो रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी लाइट में जो डेविएशन होता है टोटल वो कितना आता था, 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, बताया था कल। कल मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी लाइट में किसी भी दो प्लेन मिरर जो एंगल थीटा पे है, किसी भी एंगल पे लाइट को गिराओ, दो रिफ्लेक्शन के बाद उसका डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा। यहां थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, 90 डिग्री डालोगे ना, yes. कितना ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री का डेविएशन मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर को 180 डिग्री घुमा दो तो क्या आएगा, एंटी पैरेलल ना। इरोडो बुक में एक क्वेश्चन है 5.13, यहां से इरोडो का ऑप्टिक्स हमारे लिए स्टार्ट होता है 5.13। इरोडो की बुक में एक क्वेश्चन है 5.13, क्वेश्चन क्या है कि तीन मिरर रखे हुए हैं इस तरह से, एक मिरर किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है, एक मिरर किसमें है, वाई जेड प्लेन में है, और एक मिरर क्या है वो इस प्लेन में है, समझ रहे हो। एक तरह से एक रूम का जो कॉर्नर होता है, एक क्यूबिकल रूम का कॉर्नर है, एक दीवार एक्स है, दूसरी जो है दीवार क्या है वाई है, और ये जो बेस है एक प्लेन है, समझ रहे हो ना। तुमसे कहा गया है कि लाइट गिरता है फर्स्ट वॉल पे, फिर इस वॉल पे, और फिर ग्राउंड पे, तीन रिफ्लेक्शन करता है। लाइट गिरता है वो पहले एक वॉल पे गिरता है, फिर इसके जो परपेंडिकुलर वॉल है ये वॉल पे गिरा, फिर इस वॉल पे गिरा, पहले इस पे गिरा, फिर इस पे गिरा, और फिर जमीन पे गिरा, पहले इस वॉल पे गिरा, फिर इसके परपेंडिकुलर वॉल पे गिरा, और फिर जमीन पे गिरा,
और तीन सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है, तो प्रूव करो लाइट अपने एंटी पैरेलल निकलेगा। तो क्या करोगे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सबसे पहले लाइट को, मान लो जो इंसिडेंट लाइट था वो था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। जब ये एक्स वाई प्लेन पर गिरेगा, जब ये एक्स वाई प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, जब ये एक्स वाई प्लेन से निकलेगा तो कौन सा कंपोनेंट इसका जो है रिवर्स हो जाएगा, जेड जेड हो जाएगा। तो जब ये एक्स वाई प्लेन को पार करेगा, जब ये एक्स वाई प्लेन को पार करेगा रिफ्लेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा वी एक्स वही रहेगा, वी वाई वही रहेगा, ये वी जेड बन जाएगा। अब ये गिरेगा एक्स वाई के बदले मान लो वाई जेड प्लेन पे, अब इसको गिरने दो वाई जेड प्लेन पे तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। तो अब ये निकलेगा जब रिफ्लेक्शन हुआ तो एक्स कंपोनेंट को रिवर्स कर दो और इसको फिर से गिरने दो, कौन से प्लेन पे, एक्स वाई हो गया वाई जेड हो गया एक्स जेड प्लेन पे, अब इसको एक्स जेड प्लेन पे थर्ड प्लेन पे इसको गिरने दो फर्स्ट पे, अब वाई कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा। तो ये वही रहेगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो देखो ये दोनों हो गया ना एक दूसरे के एंटी पैरेलल अपोजिट वेक्टर्स, इस वेक्टर का नेगेटिव ये वेक्टर है, हो गया ना। 5.13 हम कर लिए हैं, 5.14 इरिडियम में 5.14 तुमको रिलेशन फाइंड करना है ई टू कैप ई वन कैप और एन कैप में। इफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज E1 cap, unit vector in the direction of normal is n cap, then in terms of E1 cap and this n cap, find E2 cap, that is the unit vector in the direction of reflected ray. हम कर चुके हैं, हम ये भी कर चुके हैं, E2 cap is equal to E1 cap minus 2 times of E1 cap dot n cap whole n cap, इसको derive करना है, ये हम कर चुके हैं, agreed? लिख लो, लिखना है कुछ तो, उसके बाद मैं अगला लूंगा। अब हम लेंगे, अब जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे प्लेन मिरर का इमेज कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर कैसे बने, सबसे पहले ये समझ लो, पहला पॉइंट मान लेते हैं कि एक प्लेन मिरर है और लाइट यहां से आया और यहां से आया, तो हम क्या देख रहे हैं, ये इसी रास्ते पे लौट जाएगा और ये जिस एंगल पर गिरेगा उसी एंगल पे लौट जाएगा। इसको एक्सटेंड कर दो पीछे, ये यहां के मिल जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, यहां क्या देख रहे हैं, ये क्या है रियल, ऑब्जेक्ट क्या है रियल, इमेज क्या है वर्चुअल, है ना। yes. उसी तरह से इसका उल्टा होता तो क्या होता, उल्टा मतलब कि अगर लाइट ऐसे आ रहा होता, अगर लाइट इस तरह से आ रहा होता और लाइट को यहां जाके मिलना होता, और इस लाइट को यहां जाके मिलना होता मान लो, यानी ये ऑब्जेक्ट बनना होता और उसके मिलने से पहले ही लाइट यहां गिरने के कारण क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर गया, यहां गिरा तो लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये बन गया इमेज। अब यहां पर ये क्या है वर्चुअल, ये क्या हो गया रियल। तो समझिएगा इस बात को, जब भी रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा, और जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज रियल बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज नहीं बन सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बन सकता है। रियल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा उल्टा आएगा। पहली बार यहां पर मैग्निफिकेशन आता है प्लस वन, प्लस वन का मतलब है, प्लस साइन का मतलब है इरेक्ट,
प्लस साइन का मतलब होता है इरेक्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है जी? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में इरेक्ट है। प्लस का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन। वन का मतलब है मैग्नीट्यूड, वन का मतलब क्या है? वन का मतलब है ना तो मैग्नीट्यूड में वन से बड़ा है ना वन से छोटा है। जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड वन से बड़ा होता है, जब भी मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड वन से बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। जब भी मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन वन से छोटा होता है मैग्नीट्यूड, वन बाय टू, माइनस वन बाय टू, कुछ ऐसा, उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड या रिड्यूस साइज। ठीक है, तो यहां इसको क्या बोलेंगे? इरेक्ट है और नाइदर मैग्निफाइड, नाइदर मैग्निफाइड नॉर डिमिनिश्ड। इट इज द सेम साइज हाइट एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरी बात, इस मिरर के जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज होगा, या यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे होगा, ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज सामने होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज सेम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब एक इन फ्रंट होगा तो दूसरा बिहाइंड होगा, दोनों इन फ्रंट या दोनों बिहाइंड नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, भले ही साइज ऑफ इमेज सेम है लेकिन यहां एक चीज होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट है मतलब अगर मैं खड़ा हूं, मैं अपना मिरर में इमेज देख रहा हूं प्लेन मिरर में, तो मेरा सिर ऊपर दिखेगा और पैर नीचे दिखेगा, इरेक्ट हो गया, लेकिन मेरा लेफ्ट राइट हो जाएगा, लाइट राइट जो लेफ्ट, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। सो देयर इज लैटरल इन्वर्जन, देयर इज ए लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है अगर आप ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके अबाउट लेफ्ट राइट चला जाता है और राइट लेफ्ट चला जाता है। लैटरल इन्वर्जन मतलब अगर यहां से वर्टिकल लाइन किसी चीज पे ड्रॉ करेंगे तो लेफ्ट उसका राइट चला जाएगा और राइट राइट जो है इस तरह से है, ये ऐसे घूम जाता है, इसका लेफ्ट पार्ट करके राइट चला जाएगा, राइट पार्ट घूम के लेफ्ट में आ जाता है, यानी ये ऐसे घूम जाता है। समझते हैं इसका मतलब? लैटरल इन्वर्जन का मतलब है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम becomes left-handed coordinate system। इसका mathematical meaning है कि right-handed coordinate system becomes left-handed। इसका मतलब क्या हुआ समझो, मान लेते ये एक मिरर है, मान लेते हैं ये एक मिरर है और ये मिरर मान लेते हैं कि ये yz plane में है, ये मिरर yz प्लेन के पैरेलल है, तो अगर हम यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें ऐसे करके तो क्या होगा? ये अगर x एक्सिस है अलोंग द नॉर्मल, ये अगर y एक्सिस है और z एक्सिस तुम्हारी तरफ है, और z एक्सिस तुम्हारी तरफ है, इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज बनेगा इस तरह से, ये बनेगा x एक्सिस, ये बनेगा y एक्सिस, ये बनेगा जेड एक्सिस। एग्रीड? सही है, जेड एक्सिस सेम ही होगा। हाँ, जेड एक्सिस सेम डायरेक्शन होगा, तुम्हारी तरफ यहां भी, तुम्हारी तरफ यहां भी, सही है ना? समझ रहे हो? देखो मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मान लो है जेड एक्सिस, इस तरह से। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, इस तरह से एक्स वाई और जेड। जब इसका इमेज इस बोर्ड में बनेगा तो क्या होगा? ये वही रहेगा, ये वही रहेगा और ये सर ये वही रहेगा, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये वही रहेगा, बट ये जो था जेड कंपोनेंट ये क्या होगा? उलट जाएगा ना, रिवर्स
रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां आई क्रॉस जे क्या होगा, आई को जे की तरफ घुमाओ, आई क्रॉस जे क्या देता है, ऐसे घुमाओ राइट हैंड को, ऐसे घुमाओ, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के ना, देखा जी, आई क्रॉस जे मतलब क्या हो गया, आई कैप को जे कैप की तरफ, तो जेड तुम्हारी तरफ देगा ना, बट यहां पर देखो आई क्रॉस जे क्या देगा, करके देखो, आई क्रॉस जे क्या देगा, माइनस के दे रहा है, यहां पर आई क्रॉस जे क्या दे रहा है, माइनस के दे रहा है, ये तो गलत है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आई क्रॉस जे जो है देना चाहिए के, हमने ये डिफिनेशन पढ़ा है, तो यहां अगर आई क्रॉस जे के दे रहा है बाय राइट हैंड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल आई क्रॉस जे दे रहा है के, अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल ये देगा आई क्रॉस जे के, देखो तो, यानी यहां जो काम राइट हैंड कर रहा है ऑब्जेक्ट में, वही इमेज में कौन करेगा, लेफ्ट हैंड करेगा, आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे करोगे तो ये अंदर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड से देखो अंदर की तरफ आ रहा है, माइनस के क्या दे रहा है, गलत है, हमने पढ़ा है आई क्रॉस जे क्या देना चाहिए के, तो यहां पर राइट हैंड यूज करो, यहां लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश के कौन कौन से अल्फाबेट होंगे, इंग्लिश के कौन कौन से अल्फाबेट होंगे जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम दिखेगा, उसमें लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा, कैपिटल लेटर में देखो कौन कौन से होंगे, ए सही है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कितने लेटर हो गए, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है कैपिटल में, कितने वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स कौन कौन से हैं, 1 4 2 3 4 ठीक है। इन सब लेटर की एक खासियत है कि इसके वर्ड सिमेट्री है, देखो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एम्बुलेंस का नाम इन लेटर्स के कॉम्बिनेशन से रखा गया होता तो बेटर होता, क्योंकि एम्बुलेंस हमको, जब एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, हमको अपने साइड मिरर में एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस नहीं दिखेगा अगर एम्बुलेंस लिखा हुआ है तो, इसीलिए एम्बुलेंस को साइड मिरर में दिखाने के लिए इस तरह लिखा होता है, ए एम बी यू एल ए एन सी, इसको अगर हम मिरर में देखेंगे इमेज में तो क्या दिखेगा, एम्बुलेंस दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन के ही कारण होता क्या है, अगर तुम्हारे पास कोई वॉल क्लॉक है, तुम्हारे पास कोई वॉल क्लॉक है, अगर आपके पास कोई वॉल क्लॉक है जैसे 12 घंटे का समय होता है, 12 3 6 9 कभी भी अगर आप इसको मिरर में देखेंगे, इस वॉल को अगर आप इसका इमेज देखेंगे मिरर में, तो जो समय इसमें दिखाएगा और जो समय इसमें दिखाएगा दोनों का सम 12 आवर्स होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो आपको समय दिखाएगा, मान लीजिए लिखा हुआ नहीं है, ये मार्क नहीं किया हुआ है, तो जो समय तुमको, जैसे मान लो तुमको यहां पर यह दिखा रहा है, जैसे मान लो तुमको यहां पर यह दिखा रहा है थीटा एंगल पे, तो जब तुम इसको इमेज में देखोगे तो ये तुमको यहां दिखेगा ना, थीटा पे दिखेगा ना, जो समय इस क्लॉक में दिखेगा और जो समय इस क्लॉक में दिखेगा दोनों का सम हमेशा 12 आता है। यानी अगर तुमको यहां पर दिख रहा है, अगर तुमको यहां पर दिख रहा है, इमेजिन करो, सो हम यहां पर इसको लिख देते हैं कि T1 प्लस T2, T इन द ऑब्जेक्ट मिरर प्लस T इन द इमेज मिरर,
इज ऑलवेज 12 आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर इस घड़ी में, अगर इस घड़ी में टाइम हो रहा है सपोज 4:46:12, इमेजिन करो, इससे मैच नहीं हो रहा है, ये कुछ और दिखा रहा है, इस बस कोई वैल्यू है 4:46:12। तो यहां क्या दिखेगा, देखो यहां दिखेगा सेकंड में दिखेगा 48, इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा 13 और इसमें दिखेगा 7, सही है। 12 प्लस 48 मिनट कंप्लीट, यहां जीरो, एक मिनट यहां ले आओ, 46 प्लस 13 59 और एक मिनट 60 मिनट, तो ये भी कंप्लीट 0-0। और फिर एक इधर ले आओ, 4 प्लस 7 प्लस 1 12, सही है ना। तो याद रखना अगर तुमको यहां का समय दिया हुआ है, इसका समय इस तरह से निकालना है, इसको इसको जोड़ने पर, इसको इसको जोड़ोगे 12 और 48 कितना बनेगा 1 मिनट। तो यहां 0-0 डाल दो, कैरी ओवर लेके चले जाओ 1 मिनट, सेकंड को 0 कर दो, कैरी ओवर 1 मिनट, 46 मिनट प्लस 13 मिनट 59 मिनट प्लस 1 था कैरी ओवर, कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट का यहां भी कर दो 0-0 और एक घंटा ले लो, 60 मिनट का मतलब 4 प्लस 7 11 और एक घंटा 12, तो दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 12.0.0। एग्रीड? लिखो, हमको अगर कहीं मिरर में इमेज बनाना हो तो क्या करते हैं, हाउ टू ड्रॉ इमेज इन ए मिरर। इसका रूल है फोल्ड एंड प्रिंट, फोल्ड अबाउट मिरर एंड प्रिंट, फोल्ड अबाउट मिरर एंड प्रिंट, छापा मार दो, छाप दो, मतलब इसका क्या हुआ समझो, ये एक मिरर है, मान लेते हैं कि ये जो है एक मिरर है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहां तक जाएगा भाई, यहां पानी भरा हुआ है, ऐसे एक मिरर के ऊपर एक बीकर रखा है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहां पर एक पेंडुलम बॉब ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है, यहां एक लेटर लिखा हुआ है आर, और जहां ये लेटर लिखा हुआ है उसके सामने मिरर नहीं है, मिरर सिर्फ यहीं तक है। अब होगा क्या, मिरर क्या करेगा, इसके सामने तुम क्या करो, मिरर के सामने इस मिरर के लाइन को एक्सटेंड कर दो, इस मिरर के सामने जो भी चीज है उसको एक वेट इंक से बना लो, एक गीला इंक ले लो और उस गीले इंक से इसको बना लो, इस पूरे पिक्चर को गीला कर दो, एक वेट इंक से इसको बना लो, उसके बाद क्या करो, इस लाइन के बाद इसको फोल्ड कर लो, इस लाइन के बाउंड इस पेज को फोल्ड कर लो और नीचे आके उस हाफ पेज को पेस्ट मतलब दबा दो, तो छप जाएगा, छपेगा कैसा देखो, छपेगा इस तरह से एग्जैक्टली एक जैसा ही दिखेगा, हम डॉटेड से सिर्फ इसलिए बना रहे हैं दिखाने के लिए कि ये इमेज है, ठीक है। ये आर कैसा दिखेगा, ये आर दिखेगा इस टाइप से, सही है ना, ये इस तरह से दिखेगा, ये आर दिखेगा इस तरह से,
आपने फोल्ड करके सिमेट्री डाल दिया। अब तुम कहोगे इस तरह से पानी गिर क्यों नहीं रहा है, तो यहां जी अगर ऐसे था तो यहां जी ऐसे होगा ना, तो क्यों गिरेगा पानी? अब समझो, वंस इमेज इज फॉर्म्ड, जब इस पानी का इमेज बन गया, तो ये इमेज भी पानी ही है। जब इस इमेज का पानी बन गया, जब इस मिरर ने इसका इमेज ये बना दिया, अब ये रियल है या वर्चुअल ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। वंस इमेज इज फॉर्म्ड इट बिहेव्स एज ऑब्जेक्ट, यानी अगर हम इस मिरर को निकाल लें, और हम इस मिरर को निकाल लें और मिरर को निकाल लें और मिरर का काम कर दें, मिरर का काम क्या था, इसके सामने जो भी चीज है उसका एक इमेज बना दिया फोल्ड एंड प्रिंट, और मिरर को निकाल दें, हम इस पानी के लेंथ को डबल कर दें बीकर को और मिरर निकाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। इमेज वंस फॉर्म्ड, वंस इमेज इज फॉर्म्ड इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, याद रखना, वंस इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज वंस फॉर्म्ड, इमेज वंस फॉर्म्ड इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। इसको मैं बाद में चल के एलिबरेट करूंगा, जो मैं न्यूमेरिकल लूंगा दूसरे टॉपिक्स में। मिरर ने अपना काम कर दिया, मिरर के सामने जो भी चीज था उसको बना दिया, उसका काम खत्म, मिरर का यही काम है, मिरर इसको रेप्लिकेट करता है। अब समझो, मिरर का साइज कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अपने सामने के हर चीज का इमेज बनाता है। मिरर यहां तक है, इतना छोटा है, बट इमेज इसका भी बना रहा है। अगर यहां कोई लेटर होता, अगर यहां पर कोई लेटर होता इस टाइप से, अगर यहां पर कोई लेटर होता बी, तो इसका भी इमेज वो बनाता, हालांकि इसके सामने मिरर नहीं है। मिरर कितना भी छोटा हो, मिरर के इस लाइन के अबाउट अगर तुम उसको फोल्ड करोगे, इस लाइन के ऊपर जो भी चीज है उसका वो इमेज बनाएगा। ये बात और है, वो दिखेगा कि नहीं, वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा कि नहीं, ये अलग बात है, हम देखेंगे उसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा कि नहीं, वो अलग चीज है। तो याद रखना, इवन स्मॉल मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ इट। छोटा सा मिरर का टुकड़ा भी अपने सामने जितना चीज है सबका इमेज बनाता है, हालांकि उसको हम देख पाते हैं कि नहीं, ये हमारी लिमिटेशन हो सकती है, वी मे नॉट बी एबल टू सी इट, वी मे नॉट बी एबल टू सी इट। देखते हैं, हो भी सकता है देख ले और नहीं, फील्ड ऑफ व्यू में देखेंगे। दूसरी बात, अगर हम इस लेटरल फोल्ड एंड प्रिंट की बात करें, तो इफेक्ट्स ऑन ग्राफ देखते हैं, इफेक्ट्स ऑन ग्राफ्स। पहला, मान लेते हैं कोई मिरर इस तरह से है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और एक्स वाई प्लेन में कोई ग्राफ है, ग्राफ का इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, या कोई भी रिलेशन हो सकता है, फंक्शन ना भी हो, फंक्शन ना भी हो, फंक्शन में क्या होता है, एक एक्स के लिए एक ही वाई होता है, और हम कह रहे हैं किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है, एक्स और वाई में कोई रिलेशनशिप है, इसका जो इमेज बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा। देखो ये यहां पे ये बनेगा इस तरह से, तो बताओ इस इमेज में क्या हो रहा है, तो बताओ इस इमेज में क्या हो रहा है, बताओ क्या हम कह सकते हैं इस इमेज में, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स कमा वाई था, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट था एक्स कमा वाई, तो इमेज में इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स तो वही रहेगा, एक्स तो वही रहेगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाई आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं सेम एक्स के लिए वाई उलट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं रिप्लेस वाई टू गेट द इमेज ऑफ द इमेज कर्व, टू गेट इमेज कर्व, टू गेट इक्वेशन ऑफ इमेज, इक्वेशन ऑफ इमेज क्या करना है, y को रिप्लेस कर दो किससे, जहां जहां y है उसको किससे रिप्लेस कर दो, माइनस y से, y को रिप्लेस कर दो माइनस y से, जहां जहां y है उसको रिप्लेस कर दो माइनस y से, तुमको इक्वेशन आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर x कमा y है तो सिर्फ y की जगह क्या हो जाएगा, जो ऊपर था जितना ऊपर था उतना नीचे हो जाएगा,
और जितना नीचे होता उतना ऊपर चला जाएगा, तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाई। सेकेंड, अगर मिरर इस तरह होता ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अब क्या होगा बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट था x कॉमा वाई, इसका इमेज जब इस तरह से बनेगा तो ऑब्जेक्ट का ग्राफ ये था, तो इमेज के ग्राफ में क्या होगा, x हो जाएगा माइनस एक्स और y तो y ही रहेगा, एग्रीड? जो चीज x पे था, जो हाइट x पे था, वही हाइट माइनस x पे आएगा, यानी कि यहां भी तुमको क्या करना है कि रिप्लेस एक्स टू गेट मिरर इमेज, टू गेट मिरर इमेज एक्स की जगह क्या डाल दो, माइनस एक्स, यानी इसका इक्वेशन होगा, समझो इसका इक्वेशन होगा, और मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं, और इसका इक्वेशन था वाई इक्वल टू एफ एक्स, और इसका इक्वेशन था वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका इक्वेशन था वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एग्रीड? तीसरा, अगर मिरर 45 डिग्री पे रखा हो, अगर एक्स वाई प्लेन है और मिरर 45 डिग्री पे रखा हुआ हो, तो अगर ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स और आप इसका रिलेशनशिप यहां निकालना चाहते हैं, आप इसका इमेज इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो यहां आप क्या करेंगे, देखिए टू गेट इमेज इक्वेशन, टू गेट इक्वेशन ऑफ इमेज, टू गेट इमेज इक्वेशन, अगर 45 डिग्री पर है तो x की जगह y, y की जगह x, इंटरचेंज x इन y, इंटरचेंज x इन y, आप x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, x जहां जहां वहां y डाल दो, y वो जहां जहां उसको x कर दो, वेरिएबल स्वैप कर दो, इसको कैलकुलस में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, जब x और y को इंटरचेंज कर देते हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, हालांकि मैथमेटिक्स में इनवर्स फंक्शन होने के लिए उसका वन वन ऑन टू होना जरूरी है, वो पढ़ोगे बाद में, बट यहां कोई कंडीशन नहीं दे रहे, क्योंकि हम फंक्शन नहीं पढ़ रहे, हम एक रिलेशन पढ़ रहे हैं, सेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, हम एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल इस पे कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल याद रखना, जब मिरर यहां है तो कौन सा चीज रिवर्स हो रहा है, ऊपर का नीचे, तो वाई की जगह माइनस वाई, अगर ये है तो कौन सा कोऑर्डिनेट रिवर्स हो रहा है, एक्स की जगह क्या हो रहा है, माइनस एक्स, और अगर ये हो रहा है तो जो एक्स वाई में था, जो एक्स और इसके बीच में, वाई और इसमें था, वो एक्स और इसमें होगा, तो वाई और एक्स इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, लिखो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको इलस्ट्रेट करते हैं जो हमने अभी लिखा था, मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यहां एक मिरर रखा हुआ है, ये वाई इज इक्वल टू y एक्सिस है, और मान लेते हैं ये एक कर्व बना हुआ है एक्स वाई प्लेन में, जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका इमेज बनेगा, इसमें हमको इस इमेज का इक्वेशन निकालना है, तो यहां समझो ये x जो है उलट रहा है, ये x जो है रिवर्स हो जा रहा है, यानी x की जगह क्या डाल देंगे, माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, सेम इक्वेशन, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, वही इक्वेशन है, यही हम इसको ये करते हैं, यही इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हम यहां मिरर डाल देते हैं, अब इसका इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा, बनेगा ना, अब इसका इमेज कुछ इस टाइप से बनेगा, अब यहां पर बताओ यहां कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो रहा है, y कंपोनेंट, तो y की क्या डाल देंगे, माइनस वाई, तो जहां जहां y है वहां डाल दो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां से y कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है ना, मान लो ये एक इक्वेशन y इक्वल टू साइन एक्स, y और यहां मिरर रखा हुआ है,
तो इसका इक्वेशन वैसे अगर तुम इसको ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, देखो तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से आएगा, आएगा ना। इसका जब इमेज ड्रॉ करोगे इस मिरर में तो कुछ इस टाइप से आएगा, सही है ना। अब यहां कौन सा कंपोनेंट उलट रहा है, एक्स एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट रिवर्स हो जा रहा है, तो एक्स ये क्या डाल दें, माइनस एक्स, तो y कितना आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी कितना आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। क्या ये ग्राफ माइनस साइन एक्स का ग्राफ है, क्या ये ग्राफ साइन एक्स के ग्राफ का नेगेटिव है, इसको अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो यहां पे हमेशा ये साइन का उल्टा आएगा, आएगा ना। ये ग्राफ जो होगा तुम जरा देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, और ये जो है ये उसके इमेज का ग्राफ है। देखो इसका जो इमेज है ऐसे बनेगा, तुम देख सकते हो, यहां का पॉइंट यहां, यहां का पॉइंट यहां, यहां का पॉइंट यहां, जीरो शुरू होगा। तो ये क्या, ये ग्राफ ब्लैक और ये ग्राफ एक दूसरे का नेगेटिव है। चौथा, ये कॉस एक्स का ग्राफ, ये वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहां एक्स को क्या होना है, उलट जाना है, तो एक्स ये क्या मैं डाल दू, माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स, कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होता है, एग्रीड। yes. यानी इसका इमेज वही बनेगा, वो उसी ग्राफ का कंटिन्यूटी होगा, कोई नया ग्राफ नहीं बन रहा है, ये जो ग्राफ है वो उसी ग्राफ का कंटिन्यूटी है, इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का ग्राफ सेम ग्राफ है, एग्रीड। पांचवा, मान लो मैं इस ग्राफ को ले रहा हूं, ये सर्कल है, ये एक सर्किल का इक्वेशन है, देखो सर्किल का इक्वेशन क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना, होता है ना। सेंटर इसका जीरो जीरो है, रेडियस है ए। अब बताओ अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो क्या ग्राफ बदलेगा, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूं, एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, तो क्या इक्वेशन बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, इसका मतलब ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसा इधर वैसा इधर, क्योंकि अगर मैं यहां मिरर डालता तो जो ग्राफ यहां बनता उसका मिरर इमेज यहां बनता, अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल रहा हूं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है अगर मैं इस पार्ट का ग्राफ बनाता और इसका मिरर इमेज लेता वही मिलता, अगर मैं y की जगह माइनस वाई कर दूं तो क्या कोई चेंज, यानी कि अगर मैं यहां पर मिरर डालता ऊपर के पार्ट का मिरर इमेज लेता तो नीचे का पार्ट वही आता, इक्वेशन वही आता, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होता। अगर मैं यहां एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दूं क्या कोई चेंज होगा, एक्स की जगह वाई डाल दूं, वाई की जगह एक्स डाल दूं, क्या कोई चेंज होगा, एक्स को वाई बना दूं, वाई को एक्स बना दूं, तो क्या ये इक्वेशन बदलेगा, नहीं बदलेगा ना। इसका मतलब इस लाइन के अबाउट भी 45 डिग्री के लाइन के अबाउट भी ये ग्राफ क्या है, सिमेट्रिकल है, जैसा इधर वैसा इधर, सही है ना। समझ रहे हैं, कौन सा फिफ्थ सर, ये 45 वाला, 45 डिग्री फिफ्थ वाला ना, देखो फिफ्थ वाले मैं ये बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, फिफ्थ वाले मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करते हैं कि हम इसको हटाओ,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ग्राफ के बारे में सोचते हैं। अगर हमको ये ग्राफ दिया होता इस तरह से, किस तरह से, मिरर यहां होता और इसके सामने ये ग्राफ दिया होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका जो नेचर आता, इसका जो इमेज ग्राफ आता, क्या ये वही आता? क्योंकि अगर हमको इसमें, अगर हमको मिरर यहां रखा है और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, मुझे अगर इसमें इमेज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा जी, वाई को माइनस वाई बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं वाई की जगह माइनस वाई डाल दूं तो फिर से इक्वेशन वही आएगा ना। अगर यही ग्राफ मुझे इस तरह से दिया होता ऐसे करके, इसमें मुझे क्या करना है भाई, इस पार्ट का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ऑब्जेक्ट इस तरह से है, सेमी सर्कुलर है, बाकी जो सेमी सर्कल बनता वहां क्या हम करते, एक्स की जगह क्या डाल देते, माइनस एक्स, तो कितना आता सेम इक्वेशन। और अगर हम इसको ये करते कि मान लो इस तरह से होता, मिरर यहां रखा होता कितने पे, 45 डिग्री पे, और हम यहां पर एक इक्वेशन डाल देते ऐसे, इस सेमी सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम इसके इमेज का इक्वेशन जानना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या कोई चेंज आएगा ग्राफ में, इक्वेशन में कोई चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस में इमेज वही देगा, वाई में वही देगा, और वाई इक्वल एक्स में भी वही दे रहा है, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, तो यहां पे सेम आ रहा है, यही मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, लिख लो इसको, उसके बाद हम बताएंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे होता है, जब ऑब्जेक्ट या मिरर चलता है तो इमेज कैसे चलता है, इसको लिख लो अगर लिखना चाहते हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट और मिरर और बोथ इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट या फिर मिरर या दोनों मूव कर रहा है तो इमेज कैसे मूव करता है। मान लो ये एक मिरर है, मान लेते हैं कि ये जो एक मिरर है हमारा ऐसे करता है, और मिरर को इस तरह से दिखाते हैं, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, हम इस प्लेन मिरर का नाम देते हैं, मान लेते हैं इस प्लेन मिरर में ओरिजिन यहां पर है, कॉल इट एम, मान लेते हैं कि ये जो है एक्स डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, ये वाई डायरेक्शन है, और ये मान लेते हैं कि जेड डायरेक्शन है, यानी कि प्लेन मिरर किस प्लेन में है, प्लेन मिरर जो है वो वाई जेड प्लेन में है, समझ रहे हैं, प्लेन मिरर जो है वो वाई जेड प्लेन में है, ठीक। अब इस प्लेन मिरर के सामने यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट इस तरह से है, ऑब्जेक्ट इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं ओरिजिन, ओरिजिन कहां पे है, अटैच है मिरर के साथ, इसका कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्या हम कह सकते हैं कि इमेज का जो होगा कोऑर्डिनेट वो बनेगा इस तरह से, ये बनेगा माइनस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, सही है, इसको तुम इस तरह से समझो, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है, मान लो ये बोर्ड जो है वो क्या है, वाई जेड प्लेन में है,
ये y है और ये z है, इमेजिन करो ये बोर्ड जो है yz प्लेन है, यानी ये तुम्हारी तरफ जो है ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां से चले x, तुम्हारी तरफ बाहर निकले x, इधर गए y, इधर गए z, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या इमेज इसके जस्ट उतने डिस्टेंस पीछे होगा? जितने हाइट पे ये है क्या उतने डिस्टेंस पीछे इमेज भी होगा? Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं इमेज का वाई कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा? क्या हम कह सकते हैं इमेज का जेड कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट का जेड कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट और इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट एक दूसरे के अपोजिट होगा? एग्रीड? यस सर, यस सर। अब समझो, अगर ये मिरर है और ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, समझो मैं तो थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूं ताकि तुमको दिख पाए, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके ये चल रहा है, समझो अगर ये इस तरह से जा रहा है, यानी इसकी एक जेड कोऑर्डिनेट है, एक जेड कंपोनेंट है वेलोसिटी की, एक क्या है वाई कंपोनेंट है और एक क्या है एक्स कंपोनेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो कंपोनेंट है ऐसे करके इसके पैरेलल, ये तो जैसे गिरेगा ये जैसे यहां चलेगा, ये बताओ अगर ये इस अगर ये इस तरह चल रहा है तो क्या इमेज भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है? क्या इमेज भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है? अगर ये इस तरह चल रहा है तो क्या इमेज भी इसी वेलोसिटी से चल रहा है? और क्या ये अगर इस तरह से चल रहा है इमेज इसके उल्टा चल रहा है? यानी हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर अगर हम निकाल ले, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर किसी क्वेश्चन में हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल ले, निकाल सकते हैं, इसको निकालने के बाद हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग पैरेलल टू द सरफेस, अलोंग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन टू दिस मिरर, मिरर के पैरेलल, देखो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, अगर अगर ये मिरर का अगर प्लेन वाई जेड है, अगर वाई जेड प्लेन में मिरर है तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट कहलाएगा पैरेलल कंपोनेंट, और नॉर्मल किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सही है? अगर अगर मिरर, समझो अगर जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है वो तो यहां भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इसको क्या बोलेंगे वी पैरेलल, इसको क्या बोलेंगे वी पैरेलल, और जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है नॉर्मल के लॉन्ग वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सही है? फिर से बता रहा हूं, देखो तुम सबसे पहले क्या करो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल लो, निकाल लोगे आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तुम यहां देखोगे ये जो वेलोसिटी तुमको निकलेगा इसमें दो कंपोनेंट होंगे, ये कंपोनेंट होता है अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, और ये कंपोनेंट होता है पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। पहले इसको इस फॉर्म में लिख लो। स्टेप टू में तुम क्या करो, याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर निकालना चाहते हो मिरर के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना चाहते हो मिरर के रिस्पेक्ट में, तो इमेज की वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में वही रहेगी जो ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल सेम होती है, बट मिरर के नॉर्मल के लॉन्ग अपोजिट हो जाती है, यानी अगर तुम इसको निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर ये कंपोनेंट वही रहेगा,
पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा, यानी पैरेलल कंपोनेंट हम कह सकते हैं इसको, पैरेलल कंपोनेंट रिमेन सेम, नॉर्मल कंपोनेंट रिवर्सेस, नॉर्मल कंपोनेंट रिवर्सेस। एग्जांपल एग्जांपल ले रहे हैं, देखो पहले हम एक सिंपल सा ले रहे हैं एग्जांपल, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक्स ये वाईजेड प्लेन में है, मिरर किसके प्लेन के पैरेलल है, वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, एक ऑब्जेक्ट इसके तरफ राइटवर्ड चल रहा है जिसकी स्पीड दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड, और मिरर इस डायरेक्शन में चल रहा है और मिरर की स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा गया है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, आपसे पूछा गया इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो स्टेप वन जो मैंने वहां लिखा है, स्टेप वन आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, आपको इस मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना है बताओ, ये कितना है 8 i कैप, ये कितना है बताओ 2 i कैप, कितना हो गया 6 i कैप। अब बताओ यहां तो एक ही कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, नॉर्मल या टेंजेंशियल बताओ, अगर ये एक्स जेड अगर ये वाई जेड प्लेन है तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में है, आई कैप में, yes, sir. ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है, यहां पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। स्टेप टू, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखोगे, पैरेलल कंपोनेंट को सेम रखो, यहां पैरेलल कंपोनेंट क्या है जीरो, परपेंडिकुलर को क्या करो रिवर्स कर दो, तो कितना हो जाएगा -6 i कैप होगा। अब क्या चीज, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट वो होता है जिसमें जे कैप या के कैप होता, तो यहां जे कैप और के कैप इसको लिख दो, 0 j कैप + 0 k कैप, ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट है ही नहीं, और ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको रिवर्स कर दो, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। एक बार जब इसको निकाल लिया, तुमसे हो सकता है क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हो सकता है तुमसे ये पूछे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या पूछे फाइंड द वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिख दोगे, वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। What is velocity of image with respect to mirror? -6 i कैप। What is velocity of mirror with respect to ground? 2 i कैप। कितना हो गया? -4 i कैप। यानी कि जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या लगेगा, दैट इमेज इज मूविंग लेफ्टवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एग्रीड? इसको बनाने का दूसरा तरीका भी था, तुम अगर इस वेक्टर फॉर्म में नहीं जाना चाहते हो, एक काम करो, एक सेकंड में देखो ये कहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा, और देखो इमेज राइट मूव किया कि लेफ्ट, हम उससे भी कर सकते हैं। पहले प्रोसेस समझ लो, देखो जो प्रोसेस बता रहे, स्टेप वन ये करना ही पड़ेगा तुमको, कर लिया, स्टेप टू ये कर लेना, जिनको मैंने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ाया था उनके लिए मैं बता दूं, रिलेटिव वेलोसिटी में दो ही फॉर्मूले होते हैं जो तुमको याद रखना है, एक होता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए इसको हम पढ़ते हैं ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। याद कैसे करोगे, ए बाय सी इंटू सी बाय बी, तो देखो सी और सी कट गया ना, सर
वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ए से बी जाना था तो ए से सी गए, फिर सी से बी गए, स्टार्टिंग ए एंड बी, बीच में जो जिससे यहां डिवाइड कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट, उसी से यहां पर न्यूमरेटर में डाल देंगे। दूसरी बात, एक इसको याद रखो और दूसरा यह याद रखो कि जब भी तुम किसी भी सबस्क्रिप्ट को उल्टोगे, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी बी रिस्पेक्ट टू ए, ए को बी कर दिए, बी को ए कर दिए, तो यह हमेशा माइनस साइन आ जाता है। ठीक, एडिशन से स्टार्ट करो, जरूरत पड़े तो सब्ट्रैक्शन में चले जाओ। जैसे यहां पर हम क्या लिखे हैं, यहां क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ग्राउंड से ग्राउंड जो है कट जाता, यहां प्लस साइन होता, यहां ग्राउंड बाय मिरर होता। अब हम सेकेंड रूल यूज कर रहे हैं, ग्राउंड बाय एम को, ग्राउंड रिस्पेक्ट टू मिरर को क्या बना दिया, मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां माइनस साइन दे दिए, समझ रहे हो। यहां इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सही है। यहां इसको डिवाइड किए, यहां पे डिनोमिनेटर में, यहां दे दिए न्यूमरेटर में, वही चीज आ रहा है। अब समझो, तो पहले तुम इसको लिख लो, तो उसके मैं एक क्वेश्चन लूंगा, क्लास ऑफ कर दूंगा। दिस इज स्टेप वन एंड दिस इज स्टेप टू, इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, इसके बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, देखते हैं कैसे। ठीक है, ये प्लेन मिरर है जो एक्स वाई प्लेन में है, या नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, अगर ये प्लेन मिरर एक्स वाई प्लेन में है तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन होगा, जेड डायरेक्शन, याद रहेगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, एग्रीड। और मिरर राइटवर्ड चल रहा है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2i कैप 2 मीटर पर सेकेंड, यानी मिरर की वेलोसिटी दी हुई है, मिरर चल रहा है राइट वर्ड, मिरर को भी हम 3 डायमेंशन में दे सकते हैं, हम मिरर को भी 3 डायमेंशन में दे सकते हैं, i कैप j कैप k कैप में, हम मिरर को फिलहाल सिर्फ एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, मान लो दिया हुआ है 2k कैप, एग्रीड, समझ गए। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हुई है i कैप j कैप k कैप में, मिरर की वेलोसिटी दी हुई है i कैप j कैप k कैप में, और ये दिया हुआ है मेन चीज जो दिया हुआ है कि मिरर एक्स वाई प्लेन में है, यानी नॉर्मल का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, ठीक है। स्टेप वन क्या बताए थे, सबसे पहले तुमको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर लिखोगे, कितना आएगा बताओ। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस, मिरर की वेलोसिटी क्या है, मिरर की वेलोसिटी क्या है, मिरर की वेलोसिटी क्या है बताइए, 2k कैप, सही है ना, ये कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप आ गया। इनमें कौन से कंपोनेंट, इसमें कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये, और कौन से कंपोनेंट पैरेलल डायरेक्शन में, ये पैरेलल कंपोनेंट है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब तुमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या करोगे, स्टेप टू, वेलोसिटी इमेज पैरेलल को वही रखोगे, परपेंडिकुलर को रिवर्स कर दोगे, पैरेलल को वही रखो, कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, कितना होगा,
माइनस थ्री के कैप आ गया। अब अगर मैं तुमसे जानना चाहता हूं, ये पूछा तो क्वेश्चन बन गया, यही पूछा था तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूं वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिख दो, वेलोसिटी इमेज रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें क्या जोड़ दू, इस पूरे वेक्टर में क्या जोड़ दू, मिरर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, टू के कैप जोड़ दू, तो कितना आ जाएगा, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस थ्री के कैप प्लस मिरर की स्पीड क्या थी, टू के कैप, तो आ जाएगा थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस के कैप आ गया। अगर कल टेस्ट में क्वेश्चन रहेगा तो क्या करोगे, करना तो पड़ेगा, हम प्रोसेस बता सकते हैं, प्रोसेस यही है, हम इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो और स्टेप क्विट कर लो, बाकी कल पढ़ाएंगे।